गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर में कारकम। कारक सबसे पहले कारक की डेफिनेशन, कारक कहते किसे है। कारक यानी कि क्रिया को संपन्न करने में जो सहायक होता है या क्रिया को सिद्ध करने में जो सहायक होता है उसको कहते हैं कारक। कारक की डेफिनेशन संस्कृत में क्रिया जनकम कारकम, मतलब कि क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। क्रिया को संपन्न करने में जो सहायक होता है वो कारक कहलाता है। तो क्रिया जनकम कारकम, वो संस्कृत में डेफिनेशन लिखनी बेटा, क्रिया जनकम कारकम, क्रिया जनकम कारकम, यानी क्रिया को करने में जो सहायक है वह कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया को संपन्न करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं बेटा इसको कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। सो बोला कारक की डेफिनेशन होगा क्रियाम जनकम कारकम, क्रिया को संपन्न करने में जो सहायक होता है वह कारक कहलाता है, या क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। अब है कारक के भेद। हिंदी में हमने पढ़ा है कि कारक के होते 8 भेद, लेकिन संस्कृत में कारक के होते केवल 6 भेद। याद रखना बेटा, अगर हिंदी में पूछे तो कारक के होते 8 भेद, लेकिन संस्कृत में कारक के होते 6 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिग्रहण कारक। तो कारक के संस्कृत में कितने भेद है, 6 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिग्रहण कारक। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। संबंध और संबोधन को, संबंध और संबोधन जो है ये कारक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संबंध संबोधन को कारक की श्रेणी में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए इनको कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो हमने पढ़ा भी तो कारक की डेफिनेशन, क्रिया जनकम कारकम, अर्थात क्रिया को संपन्न करने में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं, या फिर क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संस्कृत में कारक के केवल 6 भेद होते हैं। संबंध संबोधन कारक में नहीं आते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिग्रहण कारक। कारक तो होते 6, विभक्तियां हमारी होती 8। संस्कृत विभक्तियां कितनी होती है, 8 होती है, उनके चिन्ह भी कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कारक की विभक्तियां और उसके चिन्ह, तो आप उसे लिख लीजिए बेटा। अभी मैंने पढ़ा था कारक की परिभाषा, क्रियाम निरंतर कारकम, उसके भेद, कारक के संस्कृत होते 6 भेद। अब हम पढ़ेंगे विभक्तियां। यहां पर लिखे मैंने कारक की विभक्ति और यहां पर कारक के चिन्ह। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। संबंध को हम विभक्ति में गिनते, कारक में नहीं गिनते। अधिग्रहण कारक और संबोधन, संबोधन को पहली विभक्ति में ही सो गिना जाता है। कर्ता कारक की विभक्ति होती है उपमा, प्रथमार्थ कर्ता कारक, कर्ता नहीं। कर्म कारक की विभक्ति होती है द्वितीया, करण कारक की विभक्ति होती है तृतीया, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है चतुर्थी, अपादान कारक की विभक्ति होती है पंचमी, संबंध की षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन को संबोधन ही कहते हैं। अब इनके कारक के चिन्ह, कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति, कर्ता का चिन्ह होता है ने, जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने खाना खाया, तो जहां भी ने चिन्ह होता है या चिन्ह का लोप होता है वहां पर कर्ता कारक होता है। कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति, इसका चिन्ह होता है बेटा को, कर्ता ने कर्म को, क्या चिन्ह होता इसका, को। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो को चिंता रहा रावण के साथ, रावण कौन सा हो गया, कर्म हो गया। करण
कृपया अपनी इसका जो होता है से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी इसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान पंचीभक्ति इसका चिन्ह से होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है, मतलब किसी कोई किस चीज से अलग होती है उसके अर्थ में होता है। संबंध का चिन्ह काव्य की अधिकरण का चिन्ह होता है बेटा मैं पर, किसी चीज का आधार अधिकरण आता है। संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे हो। तो कर्ता का चिन्ह क्या हुआ ने, कर्म का चिन्ह को, करण का से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काव्य की, अधिकरण ने पर, संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे हो। इसमें इससे तो विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनके लोग पहले लगे से राम ने खाना खाया, यहाँ पर चिन्ह हो गया तो राम क्या हो गया कर्ता कारक, राम यहाँ पर क्या हो गया कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा तो राम ने तो कर्ता कारक हो गया रावण को, ये कर्म कारक हो गया, ये क्या हो गया कर्म कारक हो गया। राम ने रावण को बाण से मारा तो राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक और बाण के द्वारा मारा कर्म कारक, ठीक है बेटा। तो मैं चिन्ह आया तो कर्ता, को चिन्ह आया तो कर्म कारक, और से या के द्वारा आता है तो करण कारक। वह पढ़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर के लिए चिन्ह आ गया तो संप्रदान कारक, के लिए चिन्ह आया तो संप्रदान कारक। राम गांव से आता है तो अलग हो गया, गांव से अलग हो गया, गांव से आ रहा है वो, यहाँ पर कौन सा कारक आ रही है अपादान कारक। वह मेरा घर है, यहां पर क्या गया संबंध आ गया तो ये हो गया संबंध कारक। माता घर पर है, यहां पर आ गया चिन्ह आ गया ये अधिकरण कारक। और हे राम तुम यहां आओ, यह आपका हो गया संबोधन, ठीक है ना। तो चिन्ह से पहचानेंगे राम ने कर्ता कारक, राम ने रावण को मारा तो कर्ता कारक कर्म कारक, राम ने रावण को बाण से मारा तो कर्ता कारक कर्म कारक कर्म कारक। वह पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ने के लिए संप्रदान कारक। राम गांव से आता है, यहाँ अलग होने का भाव हो रहा है इसलिए अपादान कारक। वह मेरा घर है, यहाँ संबंध का भाव हो रहा है तो संबंध कारक। माता घर पर है, आधार है, अधिकरण कारक। और हे राम तुम यहाँ पर आओ, ये संबोधन। तो इस तरह आठ विभक्तियां होती है, आठ विभक्ति के अलग अलग चिन्ह होते हैं। कर्ता कारक प्रत्येक व्यक्ति का, नेचिन
कर्म द्वितीय भक्ति का कोचिंग होता है, करण तृतीय का से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी का के लिए, अपदान का से, अलग होने के अर्थ में संबंध काव्य की अधिकरण लेकर और संबोधन हे अरे। तो बेटा हमने आज पढ़ा कारक की परिभाषा, क्रियाम जलकम कारकम, कारक के भेद, संस्कृत भेद होते छह, संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं क्योंकि उनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। विभक्तियां होती है आठ संस्कृत में, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रत्येक विभक्ति का अलग अलग चिन्ह होता है, प्रथमा का चिन्ह ने होता है, द्वितीय का चिन्ह को, तृतीय का से के द्वारा, चतुर्थी का के लिए, पंचमी से अलग होने के अपने, षष्ठी का के की, सप्तमी ने पर, अधिकरण संबोधन हे अरे हो। तो हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ बेटा, आज के इतने काफी है, थैंक यू।